नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि कुछ लास्ट वीडियोस से मैं आपको डिफरेंट ग्रहों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह के क्या कारक हैं, क्या उनकी क्वालिटीज हैं, क्या उनसे प्रोफेशन देखते हैं, क्या उनसे बीमारियां देखते हैं। तो हर ग्रह के बारे में बताया है। तो अभी सूर्य से लेकर बृहस्पति तक जितने ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने ना देखे हों तो पुराने वीडियो में देख लें। आज हम लोग शुक्र की बात करेंगे कि शुक्र की क्या क्वालिटीज हैं, शुक्र का शांति मंत्र क्या है, शुक्र के से क्या प्रोफेशन देखते हैं, क्या बीमारियां देखते हैं, शुक्र किन किन वस्तुओं का कारक है, किन वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शुक्र को देखें। तो ये सब चीजें हम आज वीनस वाले में पढ़ेंगे। तो वीनस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्योग्राफिकली भी देखें तो सूर्य के नजदीक होता है वीनस, काफी गुरु से बहुत छोटा ग्रह है, लेकिन उसमें तेज बहुत दिखाई पड़ता है। उसका कारण यह है कि वह सूर्य और पृथ्वी दोनों के समीप है। वीनस जो है वो सूर्य और पृथ्वी दोनों के समीप होने की वजह से, ग्रह तो सारे सब सूर्य का प्रकाश लेते ही हैं, तो वो पृथ्वी के भी समीप होने की वजह से ज्यादा तेजस्वी दिखाई पड़ता है और सूर्य से 47 अंश से अधिक दूरी पर कभी नहीं जाता, 47 डिग्री की दूरी पर से कभी नहीं जाता। इसलिए आप नॉर्मली जितनी भी कुंडलियां हैं उन कुंडलियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि शुक्र जो है सूर्य से एक आध घर आगे पीछे ही जाता है, ज्यादा आगे पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो 47 डिग्री से आगे जा नहीं पाता। वेदों में शुक्र को वर्णन किया गया है, शुक्र के बारे में कहा गया है कि शुक्र अग्नि है। वेदों में कहा गया है कि शुक्र अग्नि है, शुक्र वीर्य है और तेज है। इंसान का तेज जो होता है वो शुक्र को बोला गया है। तो हम जानते हैं कि शुक्र का कुंडली के अंदर अच्छा होना कितना जरूरी है। शुक्र पीड़ित हो तो इन सब चीजों में कमी हो जाती है और इंसान के तेज में भी कमी आ जाती है। तो वेद में अग्नि को वीर्य को और तेज आदि को शुक्र कहा गया है। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिनका सीधा संबंध शुक्र ग्रह से है, ऐसे मंत्र भी अवेलेबल हैं। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र लिखा हुआ है, इसका पूरा संबंध शुक्र ग्रह से है। वेदों के अंदर हमारी ये सब चीजें मिल रही हैं तो बहुत बड़ी चीज है सब चीजें, नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि इनका वर्णन कहाँ पर है। तो हमारे लिए तो गाइडलाइन यही है, वेद ही है, तो वेदों में इनका वर्णन है तो सब कुछ सही है। उसमें मंत्र है, एम वेनश्चर्द पृथ्वी न गर्भा ज्योतिर ज्योतिर्राजयु रजसो विमाने इम्बपाम संगमे सूर्य से शिशुम्न विप्रा मति भी रिहंती। ये एक ऋग्वेद में मंत्र दिया हुआ है शुक्र का, जिसका अर्थ ये है कि वीनस, यानी वीनस जो है वो अब उदित हो गया है, वो ज्योति का समूह है, वो प्रकाश का समूह है, वो सूर्य का शिशु है, अंधकार को दूर करता है, जल देता है और विप्रा मति भीरियंती यानी विप्रो द्वारा यानी ब्राह्मणों द्वारा पूज्य है। ये शुक्र का मंत्र है। इसका जो वैसा मंत्र है वो हम आगे देखेंगे, जो शुक्र का मंत्र दूसरा वाला होता है आपके शांति मंत्र जो होता है वो आगे हम देखेंगे। इसके बाद इस शुक्र की जो प्रैक्टिकल क्वालिटीज होती हैं वो बहुत ही काव्यात्मक प्लेनेट है, पोएटिकल प्लेनेट है, प्लेनेट ऑफ प्लेजर है, चमक होती है उसके अंदर, काफी तेज होता है जैसे बताया है इसके अंदर, और स्पोर्ट्स और गेम्स को बारे में बताता है, आर्ट और कल्चर के बारे में भी ये बताता है शुक्र, आर्ट और कल्चर के बारे में भी शुक्र ही बताता है। इसका वैदिक शांति मंत्र भी दिया हुआ है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ये वैदिक शांति मंत्र है, किसी की कुंडली के अंदर शुक्र अगर खराब हो, शुक्र पीड़ित हो दो या दो से अधिक ग्रहों से, तो ये वाला मंत्र करना चाहिए। इससे शुक्र की जो पीड़ा है वो बहुत कम हो जाती है और उसका फायदा इंसान को अवश्य मिलता है। आर्टिकल ऑफ डोनेशन के बारे में कहा गया है कि शुक्र अगर पीड़ित हो तो घी दान करना चाहिए, कैम्फर दान करना चाहिए, कर्ड दही दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, व्हाइट क्लोथ, व्हाइट फ्लावर्स ये भी दान कर सकते हैं, सफेद रंग की गाय ये भी दान कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, जो सूर्य जो अगर शुक्र पीड़ित है तो उस केस में ये दान करनी चाहिए। शुक्र के लिए प्रोफेशंस भी दिखाए गए हैं, कहा गया है कि शुक्र के जो प्रोफेशंस हैं बेसिकली तड़क भड़क वाले प्रोफेशंस हैं, कंप्यूटर एनिमेशन, जहां एनिमेशन हो गया, तड़क भड़क हो गई वहां पर शुक्र इन्वॉल्व हो जाता है। तो कंप्यूटर एनिमेशन के जॉब्स, ग्राफिक्स के जॉब, ग्राफिक्स में तड़क भड़क होती है बहुत ज्यादा, होटल मैनेजमेंट ग्लैमरस जॉब होता है, एयर टूर एंड ट्रेवल ये भी ग्लैमरस जॉब जॉब होता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट,
पेंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, एक्टर, सिंगर, मॉडल, एक्टर वगैरह भी सब शुक्र से ही देखे जाते हैं। सिंगर, मॉडल, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स जितने हैं वो सब शुक्र से देखे जाते हैं। परफ्यूम्स, ब्यूटी पार्लर, स्टेज परफॉर्मर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, ये सारे प्रोफेशन शुक्र से देखे जाते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी का है, कार्टूनिस्ट का है, रिसेप्शनिस्ट का है, फूल बेचने वालों का प्रोफेशन है, हॉर्टिकल्चर के बारे में है, कंप्यूटर जेम स्टोन्स के बारे में है। तो ये सारे प्रोफेशन जो हैं शुक्र से ही देखे जाते हैं। बिल्डर्स का भी शुक्र से देखे जाता है। पोएट्री, कविता लिखने वाले का प्रोफेशन जो होता है, जैसे कवि होते हैं जो, उन कवि को भी हम लोग शुक्र से ही देखते हैं। स्लिमिंग सेंटर, स्लिमिंग सेंटर जहाँ पे कि पतला होने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं, तो बेसिकली वो ब्यूटी से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम लोग शुक्र से ही करते हैं। तो स्लिमिंग सेंटर भी जो प्रोफेशन है वो भी शुक्र के अंडर में ही आता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी शुक्र के अंडर में आती है। वेब डेवलपिंग भी शुक्र के अंडर में आती है। व्हीकल डीलर्स, बड़े बड़े व्हीकल जितने भी हमारे हैं, जैसे BMW हैं, ऑडी हैं, इस तरह की कारें हैं, इनके डीलर्स जो होते हैं वो भी सारे शुक्र के अंडर में आते हैं। उनका वो प्रोफेशन भी शुक्र के अंडर में आते हैं। जिनका शुक्र अच्छा हो या जिनका शुक्र आजीविका निर्णय के अनुसार प्रोफेशन को निर्धारित करना करता हो, वो इस तरह के बिजनेस में जा सकते हैं और इस तरह के बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। तो उनको सक्सेस, सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा रहती है। शुक्र काफी चीजों का कारक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज शुक्र कामनाओं का कारक है। इंसान की जितनी भी कामनाएं हैं उनका कारक शुक्र है, पत्नी का कारक शुक्र है। आदमी की पत्रिका में, मानव की, इंसान की पत्रिका में जो पत्नी का कारक है वो शुक्र कहलाता है, और स्त्री की पत्रिका में जो पत्नी का कारक है वो गुरु कहलाता है। तो वीनस जो है वो पत्नी का कारक है। विवाह का कारक वही है, जितने विवाह होते हैं या विवाह के बारे में कोई बात देखनी हो कुंडली के अंदर, तो आपको वीनस को ही देखना पड़ेगा कि वीनस ठीक है या नहीं है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि विवाह होगा, नहीं होगा, या देर से होगा, या मुश्किलों से होगा। संगीत का कारक भी वीनस ही है, कविताओं का कारक वीनस है, जैसे पहले कहा था, इत्र, परफ्यूम्स वगैरह जितने भी हैं उन सब का कारक वीनस है। वाहन का कारक वीनस है, व्हीकल्स का कारक, क्योंकि अभी जैसे चौथा भाव हमारा देखते हैं हम लोग, चौथे भाव से मकान वाहन वगैरह हम लोग देखते हैं, तो चौथे भाव का कारक चंद्र होता है। लेकिन जब हम वाहन की बात करते हैं, कोई लग्जरी व्हीकल लेने की बात करते हैं, तो हम उसके लिए कारक शुक्र को भी देखते हैं, क्योंकि लग्जरी व्हीकल्स का और वाहन का कारक शुक्र होता है। विजन का कारक भी शुक्र होता है, आंखों की बनावट का कारक शुक्र होता है, भोग विलास का कारक शुक्र होता है, वीर्य का कारक शुक्र होता है। ये हमने पहले बताया, जितने भी मंत्री पद हैं, क्योंकि शुक्र खुद मंत्री के रूप में है, राजाओं का गुरु है, तो मंत्री पद का कारक भी वीनस होता है। शयन कक्ष का कारक वीनस होता है। जितनी भी सुंदरता वाली चीजें हैं, जितनी भी सुंदर चीजें हैं जो आप जिनको सुंदर बोलते हैं, वो सब वीनस के उसमें आती हैं। प्रेम संबंध जितने हैं वो सारे वीनस के घेरे में ही आते हैं, और वीनस ही उन, वीनस के ही कारक बनते हैं। घर की सजावट है, फूल है, सुख सामग्री है, ये सब वीनस के ही कारक हैं, शुक्र के ही कारक। तो शुक्र जब बलि होता है तो सुंदरता आती है, सुसंस्कृत होता है इंसान, अच्छा विवाह होता है, प्रसन्नता रहती है, मनोरंजन उसका अच्छा होता है, उसके लिए वो सक्षम होता है, आरामदायक जीवन होता है उसका, उसको लगाव रहता है, कला प्रेमी होता है वो, विलास प्रिय जीवन जीता है, और वाहन और वाहन से धन से समृद्ध होता है। लेकिन शुक्र जब पीड़ित हो तो परेशानियों से भरा विवाह होता है। विवाह होता तो है लेकिन बहुत परेशानी होती है, डिवोर्स होने के चांस हो जाते हैं, आदमी का यश भंग होने के चांस होते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र होने के चांस होते हैं, तो ये शुक्र उसका तेज खत्म होने के चांस हो जाते हैं। तो शुक्र का आप समझ रहे हैं कि कितना बलवान होना कुंडली में जरूरी है। तो ये था शुक्र के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग नया बैच स्टार्ट अपना करने जा रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।